तो भाइयों अभी मैं खड़ा हूँ त्रिकुटा भवन में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। मैं कल जाऊँगा और मैं आपको त्रिकुटा भवन का एक टूर करा देता हूँ। आप जब आए यहाँ पे तो किस तरीके से आए, यहाँ से माता वैष्णो देवी का चढ़ाई जो है इसी रास्ते से, ये रास्ता है, इस रास्ते से आप जाओगे तो सीधे चढ़ाई के लिए निकल जाती है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ATM मिल जाएगा आपको। और ये रहा अपना त्रिकुटा भवन। त्रिकुटा भवन में जो श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित है और जो है ना इसमें सारी फैसिलिटी यात्रियों के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अच्छा शुद्ध खाना मिलेगा। देखो मेरा विश्वास तो यार ये है कि जहाँ जहाँ आप माता का दरबार होता है वहाँ तो स्वच्छता होती ही है। हर कहीं लिखा होता है कि सिगरेट नहीं पीनी है, शराब नहीं पीना है, तो जो लिखते हैं वो तो केवल माध्यम मात्र हैं। और खाना आपको एकदम शुद्ध मिलेगा। आप बाहर खाओगे तो हो सकता है कुछ बैक्टीरिया वगैरह आप ले लो। ये अपना त्रिकुटा भवन है, वो आप दिख रहे हो वहाँ पे सामने, वो अर्धकुमारी माता का मंदिर है और ऊपर माता जी का दरबार है। ये सीधे आप जाओगे यहाँ से चढ़ाई करने के लिए और पूरे भवन में जो है ना CCTV कैमरे लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूँ भक्तों से कि जब भी यहाँ पे आप आएँ तो थोड़ा कोऑपरेट करें, क्योंकि ये जो है ना पूरा मैनेजमेंट देखते हैं श्राइन बोर्ड के जो एम्प्लॉयज़ हैं, तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करें यहाँ पर। ये अपना रिसेप्शन का काउंटर है, यहाँ पे आप अपनी, अगर डोरमेट्री खाली होगा तो आपको मिल जाएगा जो सिंगल बेड है। सिंगल बेड डोरमेट्री उसका प्राइस 150 रुपये है, AC वाला का प्राइस 200 रुपये है। और साथ में आपको भोजनालय की लिस्ट यहाँ पे दी गई हुई है क्या क्या रेट है। वेज थाली जो है ना 90 रुपीज़ की मिल जाती है। मैंने अभी राजमा राइस खाया था, बहुत ही शुद्ध था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको लिफ्ट मिल जाएगी और ये अपना यहाँ से आप कंबल ले सकते हो। कंबल लेने का जो सिक्योरिटी है आपको केवल जमा करनी पड़ती है, कोई चार्ज नहीं लगता है, 500 रुपये सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है। यहाँ से आपको जब आप जमा करोगे तो यहाँ से आपको 500 रुपये वापस मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो एक बार मैं आपको पूरा टूर करा देता हूँ। ये रहा अपना भोजनालय, यहाँ पे आप खाना खा सकते हो, ठीक है ना। हर एक पोर्शन में जो है ना टॉयलेट सेपरेट है, हर एक पोर्शन में आपको लॉकर फैसिलिटी मिलेगी और वहाँ पे आप सामान जमा करके और चढ़ाई के लिए माता जी के दरबार के लिए आप जा सकते हो। ये अपना भोजनालय है, यहाँ से आप कैश की रिसिप्ट कटाओगे और यहाँ पे आपको जो भी खाना है शुद्ध खाना मिलेगा एकदम यहाँ पे आपको, ठीक है ना। तो रेट लिस्ट तो मैंने आपको दिखाई दी थी, अब चलते हैं रूम की तरफ, किस तरीके का रूम है यहाँ पे। तो बिल्कुल आप देख रहे होंगे बिल्कुल साफ सफाई है यहाँ पे। माता जी का जहाँ पे भी माता जी का स्थान होता है वहाँ पे साफ सफाई आपको मिलेगी ही मिलेगी। और कोशिश ये करना कि जो है ना आप यहाँ पे अपना अगर रहने का बुक करा रहे हो तो ऑनलाइन बुकिंग कराना। ऑनलाइन बुकिंग कराओगे कोई भी आपको होल्डरलेस नहीं होगी, आप डायरेक्ट बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन उतरे। रेलवे स्टेशन से तकरीबन करीब 1 किलोमीटर है और बस स्टैंड से 500 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो अब चलते हैं रूम की तरफ। ये रही लिफ्ट, मैं लिफ्ट के थ्रू चलता हूँ। मेरा जो नंबर है वो 412 नंबर है, 4th फ्लोर पे है। तो 4th फ्लोर से होते हुए मैं अपने रूम तक जाऊंगा। तो ये आ गया 4th फ्लोर। तो हालांकि मैं इसके पहले भी 2 बार आ चुका हूँ। एक बार मैं निहारका कॉम्प्लेक्स में रुका था, वो भी श्राइन बोर्ड का है, बस स्टैंड से जैसे ही आप उतरोगे वहाँ पे निहारका भवन है। त्रिकुटा भवन जो है ना उसमें आपको 500 मीटर करीब चलना पड़ेगा निहारका भवन से। और ये तो 5वें फ्लोर पे आ गया यार, मैं 4th फ्लोर है मेरा। चलो सीढ़ियों से उतरते हैं नीचे
इस बहाने जो है ना थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। त्रिकुटा भवन में क्या है कि कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आप अपना सामान यहाँ पे रखो, चढ़ाई के लिए निकल जाओ। खाने का बढ़िया है, टॉयलेट्स बढ़िया है, हर चीज़ बढ़िया है यहाँ पे। अब देख रहे हो कितनी सफाई है। 412 नंबर मेरा कहाँ है, 412 नंबर, 418 है ये। एक मिनट यार, गलत जगह आ गया क्या मैं? 412 नंबर बोल रहा, नहीं 410 शायद मेरा, ओ 412 नंबर। चलते हैं आपको रूम टूर कराने के लिए। तो ये रहा अपना 412 नंबर, फोर्थ फ्लोर। ऐसे ही यहाँ पे हर फ्लोर है। ऊपर जो है एसी वाले रूम भी है, एसी लगा हुआ है जैसे, और क्या बोलते हैं कि ये है अपना रूम। रूम क्या मतलब डॉर्मेट्री है, और ये अपना बेड है। सभी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, रुकते हैं और चढ़ाई के लिए निकल जाते हैं। रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ जी, रिकॉर्डिंग चल रही है। और यहाँ पे जो है अपना सामान आप जमा करके एक ताला ले लेना, सामान यहाँ पे आप अपना लॉक करके आप चढ़ाई के लिए निकल जा सकते हैं। और क्या बोलते हैं, टॉयलेट्स एक बार दिखा देता हूँ आपको मैं। टॉयलेट्स तो भाई ऐसा है, चलते हैं टॉयलेट्स की तरफ। यार लेडीज टॉयलेट्स अलग है, जेंट्स टॉयलेट अलग है। तो अब देख रहे हो कितनी सफाई है, ठीक है ना। जो लोग भी आए सफाई का भाई विशेष ध्यान रखो। वेस्टर्न भी है यहाँ पे, नहाना धोना आप जैसे भी करना चाहें आप सब कर सकते हैं। माता जी के दरबार में जाएं तो नहा धो के जाएं, क्योंकि माता जी को पसंद नहीं है कि शुद्धता, उनको पसंद है तो जो है ना। आप भी ऐसे ही हर फ्लोर पे आपको वाटर कूलर मिल जाएगा, पानी पी सकते हो आप, रुकने का कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो त्रिकुटा भवन में जो है ना आप ऑनलाइन बुकिंग करके यहाँ पे आप रह सकते हो, चढ़ाई के लिए जा सकते हो। मैंने त्रिकुटा भवन इसलिए प्रेफर किया क्योंकि चूँकि चढ़ाई से नज़दीक है तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये बीच में देखो मंदिर है अपना, और क्या बोलते हैं फ्लोरी फ्लोर से यार, ऑक्यूपेंसी यहाँ पे काफ़ी है एज कम्पेयर टू निहार का कॉम्प्लेक्स। त्रिकुटा भवन में ऑक्यूपेंसी अच्छी है, मतलब ऑक्यूपेंसी दैट मीन्स ज़्यादा लोग यहाँ पे रुक सकते हैं। और अच्छा एक चीज़ तो दिखाना भूल ही गया यार, देखो धूम्रपान मदरापान सेवन ताश खेलना मना है, माता जी को पसंद ही नहीं है ये। जहाँ पे माता जी का दरबार है वहाँ पे शराब सिगरेट, क्यों भाई सही कह रहा ना मैं, शराब सिगरेट का कोई स्थान नहीं है। तो और ये रहा अपना जो है ना बालकनी, बालकनी भी है भाई वो देखो माता जी का, अर्धकुमारी माता का दरबार वो है, माता वैष्णो देवी का दरबार ऊपर है सबसे ऊपर, भैरव बाबा का, माता जी नीचे, भैरव बाबा ऊपर, अर्धकुमारी माता नीचे है। और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है यार, ठीक है ना। तो मेरा ये बनाने का उद्देश्य केवल ये है कि जब भी यहाँ पे आप आएँ किस तरीके से आप यहाँ पे रह सकते हैं, क्या कुछ है, आराम से आप रह सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट में, शायद निहारका कॉम्प्लेक्स का भी बनाऊंगा और चढ़ाई का भी दिखाएंगे आपको। चलो मिलते हैं, बाय।